हेलो गाइस, मैं हूं बादशाह, आप देख रहे हैं बादशाह गेमर। तो गाइस यार, आज मैं आप सब लोगों के लेकर आ चुका हूं अपनी स्काई ब्लॉग वाली सीरीज का पार्ट 3। तो गाइस यार, इस वाली वीडियो में हम काफी ज्यादा मजे करेंगे, तो चलो यार फटाफट से यार मजे करने अपने शुरू करते हैं। फटाफट से यार मैं अपनी थर्ड पीपी से फर्स्ट पीपी में शुरू होता हूं। और यार जिसने अभी तक मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर फटाफट से देखो। तो चलो गाइस यार, फटाफट से यार मैं अपने फर्स्ट पीपी में अभी नहीं आया यार, मैं अपनी थर्ड वाली मतलब सेकंड वाली पीपी में आ गया यार, जो बैक वाला होता है। तो यार ये देखो यार, मैंने अपने पीछे ये कैसे इक्विप कर रखा है यार, ये जो कपड़ा होता है पता नहीं यार क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यार ये देखो, मतलब ये लाइटर में अच्छा लगता था, मतलब हम लाइटर पहनते तो हमें लगता है कि हमने लाइटर नहीं, मतलब ये क्रीपर वाली जो ये चीज़ है यही इक्विप कर रखे। चलो यार फटाफट से मैं अपने थर्ड पीपी में शिफ्ट होता हूँ, मतलब फर्स्ट पीपी में। तो चलो गाइस यार, फटाफट जब अपनी फर्स्ट पीपी में शिफ्ट हो गया हूँ, तो यार आपको ये जगह दिख रही होगी। तो यार ये जगह मैंने अपने ट्री फार्म के लिए बनाई है यार, देख रहे हो यार, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है यार, मतलब ये थोड़ी बहुत डर्ट्स वगैरह से और कवर करी हुई है। और यार वो देखो यार, साइड में उधर ये लगाई हुई है अपनी, मतलब जो ये वॉल्स होती है, ताकि यार मैं इनसे ऐसे कूदूँ ना और मैं ना ही नीचे गिर जाऊँ। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं अपने ऑक्स एपल लेने। और यार आज हम काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ करने वाले हैं। और यार मैंने एक जगह का रास्ता, मतलब यार और मॉडिफिकेशन भी कर रखी है। फटाफट से यार मैं मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ यार, मतलब मेरे को सब कुछ तो ठीक लग रहा है, सिर्फ एक अपना एक घर अच्छा नहीं लग रहा। तो यार इस घर को भी रिक्रिएट करेंगे, तो यार इसको नया कर देंगे एकदम से। तो चलो यार फटाफट से चलता हूँ मैं पहले इस तरफ में। यार इस तरफ में यार अपने वीट्स वगैरह और यार अपने कैरेट्स वगैरह, आप सभी लोगों को ध्यान होगा मेरे को वहाँ से कैरेट्स मिल गए। अब यार आते ही मतलब कल्याण कर दिया, देख रहे हो गाइस, मतलब कल्याण नहीं बेड़ा गरक कर दिया। कोई बात नहीं यार, फटाफट से यार मैं अपने चेस्ट से हो निकाल कर लाता हूँ। भाई है ना हो? अरे नहीं यार, हो मेरे पास है ही नहीं, समझ गया भाई क्यों नहीं। अच्छा जब फार्मिंग करते हो, लास्ट टाइम टूट गई थी। ओके कोई बात नहीं, अभी यार ये लेता हूँ, ये आई थिंक बन जाएगी इससे मेरी हो। तो भाई फटाफट से मैं अपनी हो उठाता हूँ, मतलब चेक कर दो कैसे बनती है हो के लिए। अरे ये कौन सी हो निकाल ली मैंने, मतलब अच्छा ये वाली। अरे आयरन की कहाँ अपनी भाई, अभी हैसियत नहीं है इतनी। अरे भाई एक सेकंड, ये क्यों नहीं बन रही। पहले स्टिक्स बना लेता हूँ मैं पहले स्टिक्स बनाता हूँ भाई। ये लो स्टिक्स बनाई और हो ये रही भाई, ये ठीक है भाई, बढ़िया भाई। चलो भाई एक सेकंड, ये पता नहीं क्या हो गया। ठीक है भाई, चलो भाई अपनी हो क्राफ्ट हो गई है। अब यार चलते हैं फटाफट से यार अपनी उसको ठीक कर देते हैं। और यार मैं आपको दिखा देता हूँ यार, मैंने ये की चारों साइड से यार वॉल वगैरह अपनी कवर कर दी है। और यार अपना ये जो अब सीड्स वाला फार्म से देख रहे हो यार, कहाँ से मतलब कहाँ पहुँच गया। और यार इस तरह में यार अपनी कैरेट्स वगैरह हैं, और यार इस तरह में वीट है, क्योंकि यार अभी मेरे को मतलब सीड्स वगैरह थोड़े ज़्यादा ही थे, तो इसलिए मैंने यार यहाँ पे वीट लगा दिया। ठीक है भाई, अपने पास जब गाजर आएगी तो यार इसको मैं चेंज कर दूंगा, अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और यार ये देखो यार, अपना जो कोबलस्टोन जनरेटर है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया यार। आपको लास्ट टाइम ध्यान होगा मेरे को वहाँ से 2 पैकेट लावा मिला था, तो बस उसी से कर करके मैंने यार इसको इतना बड़ा कर दिया है। और यार उस तरह में यार वो देख सकते हो यार, ये इधर मैंने 2 पानी के अपने अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिए हैं। मतलब यार मॉडिफिकेशन इधर की तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन अब इन सब में यार एक दिक्कत है यार, अपना घर अच्छा नहीं लग रहा। चलो यार उस पर भी ध्यान देंगे यार फटाफट से। यार मैं चल पहले चलता हूँ यार। और यार आज हमने कोशिश करने की यार हम बेड बनाए और आयरन फाइंड कर लें। तो गाइस यार पिछली वाली वीडियो देख कर आओ यार अपने विजंत भाई की हार्डकोर की। फटाफट से यार मैं अपने यहाँ से सैपलिंग्स उठा लेता हूँ यार। आप सभी लोगों को लास्ट टाइम ध्यान होगा, यहाँ पर अपने ट्री से तो यार मैंने ट्री को तोड़ा, और यार ये कुछ सैपलिंग्स वगैरह मेरे को मिल गए काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत है भाई इतने। यार ये देख रहे हो, मैंने इनको एक एक नंबर ऊँचा इसलिए कर रखा है ताकि मतलब यार ठीक से हो जाए। और मैं सोच रहा था कि यार इसको ना यहाँ से रिमूव कर दूँगा, इसकी यहाँ कोई अच्छी ज़रूरत नहीं लग रही। और यार यहाँ पे हो सकता है अपनी एक डाटा रही यार, ये क्यों लगा दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, इसको तोड़ लेता हूँ भाई फटाफट से। अब अपने सैपलिंग्स लगाता हूँ। तो चलो यार फटाफट, मैंने इसको तोड़ा, एक सैपलिंग यहाँ डालते हैं। और ये भाई हाँ ठीक है भाई, ये बहुत सही लग गया। चलो यार फटाफट से यार ऐसे ही कर करके फटाफट से इसको कंप्लीट करता हूँ। वो भाई मतलब देख रहे हो यार, अपने एकदम सही लग रहा है भाई, सारी सेटिंग सही है। बस यार एक अपना घड़ी कबाड़ा सा है, तो कोई बात नहीं यार उसको भी ठीक करेंगे। और यार मैंने इसको मेजर से नहीं बनाया, मतलब आईडी से अपना बना दिया है। और यार जो डर्ट है अपनी वो नीचे से तोड़ कर लाया हूँ, और ऊपर से उसको वापस से वैसी लेयरिंग कर दी। और तो चलो यार फटाफट से यार चलते हैं। और अभी यार मेरे भाई ने जो अपने स्टीव ब्रो हैं, उन्होंने इसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी कि जो हर चीज़ मतलब हम जब तोड़ वोड़ लेते हैं, मतलब जो उन्होंने मेन अपनी चीज़ हाथ से बनाई है, उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ कि वो वापस से रीजनरेट होती रहती है। तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। तो चलो यार फटाफट से यार इसको मतलब मैं जितना कवर हो पाते उतने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर देता हूँ। और अभी तो मेरा बहुत है भाई, आई थिंक हो जाएंगे सारे कवर, आए बाकी पता नहीं भाई। तो चलो यार फटाफट से सारे के सारे ऐसे ही फटाफट से मैं लगा देता हूँ। अरे
तो चलो भाई सर फटाफट से मैंने यार सारे सारे सैपलिंग्स यहाँ पर लगा दिए हैं, और यार एक कुछ पीछे की डर्ट्स बच गई हैं। मैं भाग कर जाकर यार पिकेक्स लेकर आ गया हूँ अपनी, और यार पिकेक्स इसलिए लाऊँ क्योंकि यार यहाँ की वॉल यार तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यार ये बिल्कुल बेकार लुक दे रही है। तो यार मैं कोशिश करता हूँ मतलब इसको इस जगह पर सेट कर दूँगा, ताकि यार अपने जो इस वाले फार्म की लुक बिल्कुल भी ना बिगड़े। और यार आज हम चलते हैं यार अपने आयरन वगैरह पर एक्सप्लोर करने। तो चलो यार फटाफट से पहले मैं यार ये सारी अपनी जो ये वॉल्स वगैरह हैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, और ताकि भाई फटाफट से यार मैं इसको इधर के इधर साथ ही हाथ सेट कर दूंगा। तो चलो भाई ठीक है, एक ही लास्ट वाली वॉल तोड़नी रह गई, बिल्कुल बैठ कर तोड़ लेता हूँ इसको। तो ठीक है भाई ये लो आ गई अपने पास 11 वॉल्स आ गई हैं। अब इसको मैं इस तरफ में नहीं यार इस तरफ में हाँ ठीक है भाई इस तरफ में ठीक है बहुत बढ़िया इस तरफ में। और यार मैं सोच रहा था जो पीछे अपने वो मैंने पीछे डर्ट्स कवर करी हैं वो हटा दूंगा, ताकि यार उसमें दिक्कत ना आए। मतलब यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब ना वो पीछे गिर जाएंगे जो अपने कोविड वगैरह होंगे। गाइस इतना ज़्यादा वेट करने के बाद रात से हो गई सुबह, अब यार हम आते हैं तो यार वो देखो यार अपने काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो कर चुके हैं। तो भाई मतलब बहुत सही है यार अपने मतलब अब काफ़ी जल्दी जल्दी अपने ग्रो करेंगे यार। वो देखो एक ट्री भाई अभी अभी उगा बिल्कुल। चलो भाई बहुत बढ़िया यार ये उगते रहें, तो इसी से हमें यार वुड्स वगैरह मिलेंगी। तो यार अब हम चलेंगे यार सबसे पहले आयरन वगैरह एक्सप्लोर करने। तो यार मैं पहले चेस्ट से कुछ अपने सामान निकाल लेता हूँ। तो चलो भाई सर फटाफट से यार सारी सारी प्रिपरेशन होगी। एक सेकंड भाई मेरे को लग रही है भूख, तो फटाफट से यार मैं अपना खाना निकाल लेता हूँ, और खाने के साथ साथ यार फर्नेस बनाऊंगा तो यार उसके अंदर भी कुछ डालना ही पड़ेगा। तो यार पहले सर्च कर लेते हैं यार अपना फर्नेस कैसे बनेगा। तो फर्नेस हाँ चलो ठीक है भाई बन जाएगा, फर्नेस अपना बना लिया हमने। फटाफट से यार फर्नेस को इस तरह में प्लेस करते हैं, और यार इधर से अपनी ओक वुड निकालते हैं। ओ ए के ठीक है भाई ओक वुड इधर से निकल जाएंगे, बस चार पांच ही बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें। अब यार इसके अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद यार अपना ये खाना डाल देते हैं अंदर। तो अब यार जैसे ये पक जाएगा तो अपना जो सारा काम है वो हो जाएगा। तो चलो यार वेट करते हैं इसके पकने की। चलो भाई यार फाइनली मेरे छः के छः यार जो अपने ये कुकड मटन है तो यार पक चुके हैं। अब यार मैं फटाफट से यार इसको उठाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। तो भाई यार मैं जिस ग्लिच की बात कर रहा था, अगर मेरे को यार आज पॉसिबिलिटी से आयरन मिल गया तो यार आज मैं उस ग्लिच को यार आपको दिखाऊंगा। यार मतलब जो मेरे दूसरे वर्ल्ड से यार उनमें जो ग्लिच आ रहा है, आप सभी लोगों को पिछली वीडियो देखी हुई तो आपको बताऊंगा कि यार मैं किस ग्लिच की बात कर रहा हूँ। तो चलो यार फटाफट से पहले तो यार मैं आगे निकलता हूँ। और अबे भाई अच्छा अबे यार यहाँ पे ना मतलब कि मेरे हिसाब से ना वो मतलब जो अपने जॉम्बीज वगैरह होते हैं वो यहाँ पे समन होने लग गए हैं, तभी यहाँ पे मेरे को रोटन फ्लैश वगैरह मिलने लग गया है। तो भाई ये लो यार यहाँ पर जाकर हम अपनी आइस पर आ गए हैं, ये अपनी आइस वाली जगह है। तो यार हम आइस तोड़ने ओ भाई चेस्ट मिली, ओके 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 ओ चेस्ट खोली। चलो भाई हमें आयरन मिला और ब्लॉक ऑफ आयरन मिला, लावा मिल गया, कोयल मिल गया। और भाई आज हमने मतलब यार मैंने ये रास्ता बनाकर रख दिया था कि भाई मैं कहा यार फिर गाइस यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर यार देखने में इतना मज़ा नहीं आता। तो यार इसलिए ना मैंने यार रास्ता अपना बना कर रखा हो, तो भाई मैं कहीं नीचे गिर गया तो यार सारा जो सामान वगैरह वो सब कुछ चला जाएगा। तो मैं धीरे धीरे से यार आइस अपनी कलेक्ट कर ली है, और तो भाई बहुत बढ़िया आई थिंक स्नो बॉल्स हैं, पता नहीं भाई मेरे को इनका यूज़ ज़्यादा क्या होता है, मेरे को बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं पता है भाई, लेकिन जो भी है यार काम की तो होती है। तो ओहो भाई यार नीचे जा रही है यार, कोई बात नहीं यार फटाफट से यार इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और दैट्स इट। और ठीक है भाई ये हो गई कलेक्ट, और इसको ऐसे मार कर कलेक्ट कर दिया। चलो भाई जितने भी स्नो बॉल्स आ गई हैं यार उन हम स्नो बॉल्स को यार वापस लेके चलते हैं। अब इस चेस्ट को मैं यहीं पर जाने देता हूँ यार, इस कोबल स्टोन को ऐसे एक जगह से बना देता हूँ ताकि मेरे को जाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यार चलो यार फटाफट से यार आज हमें आयरन मिल गया है, लेकिन गाइस हम अपने आयरन के आइलैंड पर भी जाएंगे, देखेंगे यार वो आइलैंड कहाँ पर है। लेकिन गाइस यार आज मैं आपको सभी लोगों को जो यार चीज़ दिखाने जा रहा हूँ यार उस चीज़ को देखकर हैरान मत होना, मतलब यार वो ग्लिच है लेकिन हो गया वो ग्लिच मेरे इसमें, मतलब जो कुछ कुछ आइटम्स हैं वो डबल हो जाती है यार, वो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। तो भाई बताना यार उस आइटम मतलब वो जो ग्लिच आया है तो उस ग्लिच को मैं ठीक कैसे करूँ, तो नीचे प्लीज़ सजेशन देना। मतलब वैसे यार मैंने 2-3 बार अपनी गेम काट कर दोबारा भी स्टार्ट करी फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो यार ये देखो मतलब मैं अपने आयरन को इस तरह से रखता हूँ, ऐसे और ऐसे और उसके बाद ऐसे। तो अबे भाई अभी हट गया ग्लिच, अभी भाई थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएगा, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा यार। चलो यार फटाफट से यार ऐसा करते हैं, अभी जो अपने आयरन में मिला है ना इस आयरन को यहाँ पे स्टोर करते हैं, और यार एक्सप्लोर करने चलते हैं अपना सैंड वाला आइलैंड। और यार आज हमें आप सभी लोगों को याद होगा कि आज हमें अपना घर भी बनाना है, मतलब घर कह रहा हूँ मैं, आज बेड बनाना है आज हमने। तो यार ये अभी मेरे को जिस जिस चीज़ों की जरूरत नहीं है वो रख देता हूँ। भाई मेरे पास एक रोटन फ्लैश पहले से ही पड़ता है, कहाँ से आ गया भाई ये, क्या मैंने मोब वो मारा था क्या कोई, नहीं भाई ध्यान तो नहीं है। चलो यार जो भी है फटाफट चलता हूँ यार, आज देखते हैं भाई क्या करते हैं हम बाकी। तो चलो यार फटाफट से यार यार आप सभी लोगों को याद होगा यार मेरे को यहाँ से जाने में कितना ज़्यादा डर लग रहा था, तो यार मैंने क्या किया इसको ठीक कर दिया, मतलब यार अब इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा यार यहाँ से जाने में। चलो भाई जो भी है ठीक है फटाफट से यार ऊपर चलते हैं। तो यार इस तरह मैं आपको रास्ता दिख रहा होगा यार, ये मैंने रास्ता बना दिया अपने आयरन के लिए। तो यार आयरन से पहले मैं जाऊँगा यार अपनी शीप्स के पास यार, शीप्स अरे यार मैं घर पर ही चारा भूला। चलो यार फटाफट से चारा लेकर आता हूँ।
चलो भाई यार, फटोफट से भागते भागते अपने घर आ गया हूँ। और यार घर से आके मैंने फटोफट यार अपना ये वीट उठा ली है। अब यार वीट उठाते मैं यार अपनी स्वॉर्ड एक इक्विप करता हूँ और उसके बाद यार निकलता हूँ। यार मेरे को अपनी चेस्ट प्लेट्स वगैरह भी बनानी है, क्योंकि यार उससे यार जो मेरी हेल्थ है मतलब यार वो बहुत ज़्यादा धीरे जाएगी। कोई बात नहीं यार, उसको भी बनाएंगे, टेंशन मत लो यार, सब कुछ करेंगे यार, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। यार अगर आपको सर्वाइवल सीरीज मेरी रियली पसंद आ रही हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप कोई चाहते हो कि मैं और कोई सीरीज भी शुरू करूँ तो उसको भी कमेंट करना। ये क्या चीज़ है भाई, एक सेकेंड। चलो गाइस यार, भागते भागते हम आ चुके हैं अपनी यार अपनी शीप्स के पास। तो यार शीप्स से यार आप सभी लोगों को पता होगा यार मेरे को क्या चाहिए। यार मेरे को वूल चाहिए उनसे, क्योंकि भाई हर रात को मेरे को जागना पड़ता है। मतलब यार क्या ही बताऊँ भाई, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो फटाफट से चल भाई तेरी बारी, और इसकी एक सेकेंड, और चल भाई तू भी निकल, दैट्स इट। एंड अरे वो मन नहीं आ रही थी, मैंने उसको मार दिया भाई। यार लेकिन अंदर जाके मैं बाहर कैसे आऊँगा। ओ भाई मारो उसको, तू भी मर जा, तू भी मर। अंदर जाया और वूल तो बहुत मिल गया, लेकिन यार अब मैं बाहर जाऊंगा ना यार ये सब मेरे मगर आ जाएंगी। तो ऐसा करता हूँ मैं सिर्फ दो को जाने दूँ, बाकी सब को उड़ा देता हूँ। चल भाई तू भी उड़ जा। और बस भाई बहुत है नहीं यार, अब तो मैं आराम से बाहर हो जाऊँगा। तो अब मेरे को ये लगाना है कोबल स्टोन। अबे ये क्या, मेरा कोबल स्टोन गायब कर दिया भाई इन्होंने तो। ए भाई क्या सीन है यार, पीछे लो यार, पीछे लो प्लीज यार, इनको इधर कराओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, ये लो हटो। अबे भाई क्या हो रहा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अबे यार ऐसे नहीं सही है, मैं इसको यहीं पर लगाता हूँ बीच में, और यहाँ से वहाँ जंप मार देता हूँ ये ऐसे करके। और अभी ये जो यार इसको यार यहीं पे तोड़ के यहीं पड़ा रहने दो। अबे टूट जा, चलो भाई टूट जा इसको थोड़ा। अब यार यहाँ से निकलते हैं हम अपना आयरन लेने, क्योंकि यार मेरे को पता है यार वहाँ पर ना उस तरफ में आयरन का जो है वो आइलैंड था। तो चलो यार फटाफट से यार चलते हैं अपने आयरन के आइलैंड की तरफ में। तो भाई जैसे मैं यहाँ पर आ रहा था यार, ये देखो यार इतनी ज़्यादा आतंक भरी बारिश आने शुरू हो गई है भाई। देख रहे हो क्या बारिश आ रही है एकदम, वो भाई एकदम ओपी बारिश आ रही है भाई एकदम। चलो भाई जो भी है भाई, मेरी तलवार पे आ जाएगी सो मतलब बहुत बिजली की शक्ति है देखो पट से। अरे भाई ये क्यों क्या शक्ति आ जा ये। चलो भाई शक्ति यार पता नहीं आपको दिखी नहीं दिखी, छोड़ो यार। चलो यार फटाफट से यार मैं अपने आयरन को लेता हूँ भाई, इससे टूटेगा ना स्टोन पिकेक्स से। हाँ ठीक है, ठीक है भाई मिला गया भाई, मिल जाना चाहिए ना। हाँ ठीक है भाई मिल गया हमें। तो चलो यार फटाफट से यार अब मैं पहले इस तरह मैं खोदता हूँ यार। हमें इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यार जैसे कि मैंने आपको बताया मतलब मेरे भाई ने इसमें ऐसे ही अपडेट करे हुए हैं कि जो आयरन है अपने अभी थोड़ी देर टाइम बाद अपडेट हो जाएगा अपने यहाँ भी। तो चलो यार फिर से मैं इधर से भी निकाल लेता हूँ आयरन। तो भाई यार बहुत ज़्यादा यार अपना लकी डे निकला अपने स्काई ब्लॉक पे। चलो यार जितना हो गया अभी बहुत है यार, मैं फटाफट से ऊपर चल जाता हूँ क्योंकि यार रात होने वाली है और यार मेरे को बेड अपना बनाना होगा। तो जितने भी आयरन आए बहुत है यार। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं दौड़ते दौड़ते अपने घर तक आ चुका हूँ। अब यार फटाफट से यार मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल खोल लेता हूँ भाई। देख रहे हो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सर्च कर देता हूँ बेड को और बेड किस तरह से बनेगा। ठीक है भाई मेरे को 3 ओकवुड चाहिए होंगे, मतलब भाई आज हम अपनी जो चैन की नींद है वो लेंगे। तो फटाफट से यार अपनी ये इसको निकाल लिए, और उसके बाद मैं यार ओक डालता हूँ भाई यार, मतलब ओ ए के। ठीक है दैट्स इट, अब यार हमारे पास ये आ गया। और यार अब हमें सिंपल सा अपना बेड क्राफ्ट कर लेना है, और बेड के लिए BED बेड। एंड दैट्स इट फाइनली गाइस यार, आज हम सभी लोगों को अपना बेड मिल गया, और यार अपना आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया यार। हमारे मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह काफ़ी घुसता है। तो चलो यार कोशिश करेंगे यार अपनी अगली वीडियो में यार जो अपना क्या कहते हैं अपने इस घर को हमें अच्छे देंगे यार। मतलब मैं एरिया बनाकर रखूँगा अपने इस घर के लिए बढ़िया सा, और यार बड़े से घर को बनाएंगे एक बहुत बढ़िया सा। और अगर आपको कोबलस्टोन फार्म भी अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। देखो कैसे यार इसको यूज़ ऐसे है मतलब, अरे एक सेकंड भाई गलत कर दिया शायद मैंने। तो मेरे को ऐसे नीचे बैठ जाना है, और उसके बाद यार फटाफट चलते जाना है, मतलब एक तोड़ते दूसरा मिलेगा। ये देखो भाई, हाँ ये वो जो पहले ट्रिक हुई थी ना वैसे ही, मतलब यार एक से भाई यार एक सेकंड में तो भाई दूसरा आ जाता है। मतलब यार इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन मिल रहे हैं, तो यार ये देख रहे हो। अरे भाई कभी कभार तो होता है मिलते ही नहीं है। एक सेकंड गाइस यार मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब यार पहले मैं मतलब इसको बहुत सही तरीके से यूज़ कर पाता था। ये देख लो भाई, मतलब यार काफ़ी सारे कोबलस्टोन इससे मेरे को मिले हैं, तभी मैंने भाई इतनी सारी मतलब रास्ते वगैरह अपने बना लिए। तो भाई मतलब बहुत सही है यार ये कोबलस्टोन फार्म ये वाला। तो
तो यार कोशिश करेंगे यार, अब इस वाले फॉर्म को भी हम ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करेंगे भाई, मतलब बहुत जल्दी बनाएंगे यार। अपनी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा मैं। और यार अपने एक बार ट्री फार्म के भी दर्शन कर लो भाई, ये देख लो यार कितना ज़्यादा बढ़िया हो गया है। मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा जो ट्रीज हैं वो ग्रो करने लगे, मतलब यार अब तो हमारे पास वुड्स की तो कमी ही नहीं रहेगी, क्योंकि भाई आप सभी लोगों को पता होगा यार हमें वुड्स की कितनी ज़्यादा कमी पड़ती है। तो चलो भाई, अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फटाफट जाकर लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार कमेंट